अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? आज ये बिल्ला सोया नहीं है तो ये आज मेरे साथ मस्तियां करने आ गया और वीडियो में आके बैठ गया, ऐसी बात है। अच्छा जी, आज की वीडियो हमारी है झूठ की दुकान और उसकी वालदा पे। जिस तरह से आपको मैं बीच में काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगी, जहां मलकू की जहां बात हुई है M6 से, और उन्होंने मतलब कसम उठा के कहा है कि मैं इनको ना पर्सनल जानता हूँ ना मुझे पता है ये कौन है कौन नहीं है। ये बात उन्होंने पहले भी बताई थी कि मैं ऐसे गुजर रहा था तो तीन लोग इसको पकड़ के बैठे होते, इसका मुँह काला करवाया हुआ था, तो मैंने इसको गिफ्ट दिया था, मुझे कोई पता नहीं था ये गरीब है अमीर है, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान के आप लोग देखें, आप कभी मेरी वीडियो पे आए मतलब जहाँ वो लाइव करते हैं वहाँ आके देखिएगा, तो अगर 1000 कमेंट है ना तो 500-600 कमेंट होगा कि हमें हेल्प करें, हमारी हेल्प करें। तो आगे से ना मतलब के मलकू ने कहा कि आपको यहाँ 90% लोग झूठ बोलते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह ये इन्होंने माँ बेटियों ने अभी आप पहली वीडियो में देखेंगे किस तरह इनके झूठ निकालने हैं कि अपने मुंह से ये पूरी अपनी जायदाद अपनी प्रॉपर्टी बयान कर रही है, बता रही है कि कितना है। तो देख ले फिर देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं किस तरह सब कुछ इनका उगला गया इनके मुँह से और बाहर निकल आया। तो फिर M6 ने कहा कि मुझे पता है, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, मैंने ये कहा था कि ये TikTok निकाली चाइना ने है लेकिन अपने मुल्क में उनके बैन है, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का बेड़ा गर्क करने के लिए उधर खुली है ये। और उन्होंने एक और भी बात कही कि ये जो लड़कियां बच्चियाँ काम करने जाती हैं, अगर घरों में काम करती हैं तो गैर मर्द इनको जो मालिक है किस नज़र से देखते हैं, जो बच्चियाँ बैंकों में जाती हैं, जो बच्चियाँ जहाँ भी नौकरी करती हैं तो वहाँ भेड़िए बैठे होते हैं तो वो उनकी धज्जियाँ बिखेरते हैं, तो इस वजह से यहाँ बैठ के चलो कर रही हैं तो बुराई से बची हुई हैं। तो फिर मलकू ने आगे से जो बात की तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, इसने कहा कि वो खुदा ना खास्ता कोई भी जहाँ आप जॉब कर रहे हो ना तो वहाँ क्या 10 बंदे होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, कितने को बंदे आप पे गलत नज़र डालेंगे, कोई एक आध भेड़िया होगा, वो भी आगे से कोई कमज़ोर नज़र आएगा तो वो उनकी इज़्ज़त ख़राब करेगा। तो इधर तो बैठ रहे बैठे लोग बैठे देख रहे, 1000 लोग बैठे, 1200 लोग बैठे, जिसमें हर मज़हब का बंदा बैठा हुआ है। तो यहाँ ये जो आँखों का जना हो रहा है, हाथों का जना हो रहा है, हर गंद इधर हो रहा है। तो इधर औरतें पैसे ले के लोगों से कह रही हैं कि मुझे पैसे दें, मैं आपके साथ ये काम करके दिखाऊंगी, मुझे ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं ये करके दिखाऊंगी। ये मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि हमने खुद इन औरतों की ज़बानों से ये सुना। इधर आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको चीज़ें मिलेंगी जहाँ औरतें बैठी हुई रो रही हैं तीन तीन शादियाँ करके भी, जी हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, और मर्द गैरतमंद कौन से मर्द होते हैं, जो गैरतमंद मर्द होते हैं जो मिल जाते हैं वो आपकी ना शक्ल ना सूरत कुछ भी नहीं देखते, आप जो भी करें वो आपसे प्यार करते रहते हैं, ना जी ना हटी कोई गल नहीं होती। मतलब वहाँ लड़का भी बैठा है, उसने फिर कहा कि मर्द को अल्लाह ताला ने एक दिमाग ऐसा दे के भेजा, ऐसे तो नहीं 4 शादियाँ जायज़ कर देंगे। औरत जो है औरत को हया का बताया, मर्द का भी हया बाहया होना बहुत ज़रूरी है, औरत का तो 100% बाहया होना ज़रूरी है। तो जहाँ औरतें बेशरम बेगैरत बेहया हो गई हैं वहाँ आप मर्दों को क्या, आप सोशल मीडिया पे बैठ के गैर मर्दों से बातें कर रही हैं, उनसे के हर तरह की गुफ्तगू कर रही हैं और आप कह रही हैं कि हमारे मर्द हमारे साथ वफा करें, वाह भाई वाह, ये कैसे हो सकता है। तो अमलों का दारमदार नीयतों पर है, अगर आपके मर्दों की नीयत अच्छी है ना तो घर की औरतें बाहर फिर रही हैं, घर फिर रही हैं, जहाँ भी हैं वो हिफाजत में है, अल्लाह ताला की हिफाजत में है। क्योंकि जो आपके घर के मर्द गलत करते हैं ना वो आपके घर की उस घर की औरतों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इस वजह से ना मर्दों को हया है ना औरतों को हया है, और पैसे के लिए मर रही हैं। तो फिर बड़े अच्छे जवाब दिए उसने, कहा पाकिस्तान की आवाम को देख ले, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भूखे सोना
बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो अपने हया के दामन को नहीं छोड़ेंगे। हर बंदा बेशर्म बेगैरत नहीं है। आप टिकटॉक पे देख लें, यहाँ अमीर लोग भी बैठे हुए हैं, गरीब लोग भी बैठे हुए हैं। कुछ वो लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन वो इधर नहीं हैं, कुछ अमीर हैं वो और पैसे की तलाश में इधर बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी गिफ्टिंग, बहुत अच्छी गुफ्तगु हुई है मलकू की और एम सिक्स की। मुझे उनकी भी बातें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने भी अच्छी बातें की हैं। तो उसने, मलकू ने भी कहा, फिर मलकू को उन्होंने शेर भी दिया है। फिर उन्होंने, मलकू ने कहा, मुझे पता है कि आपने जो इधर पैसा लगा दिया तो वो आपने किसी न किसी को गिफ्ट करना ही है, इधर ही गिफ्ट करके जाना है। लेकिन ये है कि अच्छे लोगों को देखे, जो ज़रूरतमंद है उनको देखे। अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बच्ची को 5 शेर मिले तो 10 बच्चियां और बैठ गई, तो ये बात है। तो इस तरह बुराई जो है जन्म ले रही है, कि पहले बड़ी बड़ी औरतें बैठी हुई थी, वो बेगैरतियाँ भी शर्मियाँ कर रही थी, साथ में अब उन्होंने दो दो चैनलों पर बेटियों को भी बिठा दिया, खुद भी बैठ गए। अब इनकी तो हो गई है बंद गिफ्टिंग, इनको तो अब कोई गिफ्टिंग कर नहीं रहा। इस वजह से आप पता नहीं अभी इनका क्या बनने वाला है। अभी भी वो कहीं माँ बैठी होती, कहीं बेटी बैठी होती है। तो देखे, M6 ने भी कहा ये गलत चीज़ है, मैं नहीं कहता ये अच्छी चीज़ है, यह बहुत बेशर्मी है, बेगैरती है। लेकिन चलो, इधर औरतें महफूज बैठ के तो कमा रही है, कहाँ महफूज रह गई। जो बैठ के इधर गलतकारी कर रही हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में गलतकारी नहीं है, वो गलतकारी है। अगर इधर बैठ के गैर मर्दों को अपना जिस्म दिखाया जा रहा है, उनको, उनसे दिल मांगे जा रहे हैं, तो या उनको सारा कुछ, आगे मैं सारा कुछ आपको उनकी ज़बानी जितनी गुफ्तगू हुई है मैं आपको दिखा दूँगी। तो बाकी मेरी बातें जितनी भी हैं आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आगे सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा जी। अल्लाह हाफिज़।